नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट के रिजल्ट के बारे में, आगे क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सभी जो भी डाउट होगा आपके मन में, सभी डाउट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपने रिजल्ट को देखना है। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ देखिए, एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी आप लोग को अब लगातार मिलती रहेगी हमारे चैनल पर, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट को फिर से देखना है, क्योंकि अगर आप अपने रिजल्ट को फिर से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप का जॉब हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपके रिजल्ट में लिखा है कि आप क्वालिफाइड है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि आप मेरिट लिस्ट में, यू आर इन मेरिट लिस्ट ऐसे लिखा हुआ है, तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपका जॉब पक्का हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने हिंदुस्तान का आज का न्यूज़पेपर देख खोला हुआ है 22 तारीख का, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6,794 सीट खाली है, जिसको ऑफिशियल संजय कुमार के ट्वीट से भी यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं जो 3 सब्जेक्ट का अभी हाल में रिजल्ट निकला, उसमें देखेंगे कि टोटल यहाँ पे 1,033 सीट अभी भी खाली है, और जो सिलेक्शन कैंडिडेट हुए हैं तो वो 6,777, मतलब 6,077 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर हम बात करें जो 15 पेपर का रिजल्ट, 12 पेपर का पहले रिजल्ट निकला, तो उसमें बात करें तो उसमें भी 5,000 सीट खाली है, मतलब सीट तो बहुत खाली है अभी भी, मतलब 10,000 से ज़्यादा सीट खाली है अभी, 11,000 के आसपास सीट खाली है अभी, 11-12 हज़ार। और यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का, 24,598 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। पहले बोला जा रहा था 99, बट अभी सिलेक्शन हुआ है 24,598 कैंडिडेट का, एक कैंडिडेट यहाँ कम किया गया है। और जो सबसे ख़राब हालत है अभी 1673, यहाँ देखिएगा 1673 जो कंप्यूटर साइंस का हालत है, फिर उसके बाद आप देखिएगा सोशल साइंस का हालत है 5,055, और उसके बाद अगर आप देखेंगे 723 जूलॉजी, यहाँ भी काफ़ी ख़राब हालत है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं इनको निकाल दिया गया है, क्वालिफाइड होने के बाद भी इनको मेरिट लिस्ट में नहीं रखा गया है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाइड थे, जो कि पहले सब बच्चे सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ इन 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड हुए हो, तो ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा क्वालिफाइड है। बाकी जो भी बच्चों ने बीएड किया था बाकी अदर सब्जेक्ट से, उनका तो क्वालिफाइड लिस्ट में नाम आ चुके हैं। तो अगर आपने बीएड अभी तक नहीं किया तो जल्दी से आप लोग बीएड कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है गवर्नमेंट जॉब के लिए बीएड। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और जूलॉजी और मैंने बताया सोशल साइंस का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चे क्वालिफाइड होने के बाद भी जॉब नहीं ले पाएंगे, बट बाकी सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाइड हुए हैं तो आपका जॉब निश्चित रूप से हो चुका है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, वो कंप्लीट करवा लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी जगह वैकेंट सीट है, तो अगर आपने केवल 75 मार्क्स लाया हुआ है जनरल कैटेगरी से, तो आपका जॉब अब कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बिहार एस्टेट ने इस बार एक अच्छा चीज़ किया है कि आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया कि आपका जॉब होगा या नहीं होगा। और जो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट निकला है, अगर आप उसमें पास हो चुके हैं, क्वालिफाइड मार्क्स जो 75 है वो ला चुके हैं, तो आपका जॉब निश्चित रूप से होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है आपके लिए, और आगे का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। जैसे आप लोगों को पता है कि अक्टूबर में, अगस्त और सितंबर में जो 6ठे फेज का ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस साल के अंत तक दिसंबर में, हो सकता है कि दिसंबर में आप लोग का 7वें फेज का भी जो ज्वाइनिंग है, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाए, और अगले साल के शुरुआत में ही आप लोग को ज्वाइनिंग करके जॉब दिया जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस बहुत जल्द पूरा होगा, अब आपको स्कूल घूमना नहीं होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो सेंट्रलाइज होगा, मतलब आपको सब जगह पूरा बिहार नहीं घूमना होगा, आपका जो भी प्रोसेस होगा वो बहुत सिंपल बना दिया गया इस बार। तो ये बिहार गवर्नमेंट का मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि उन्होंने पहले से बता दिया कि ये पहले काम करना चाहिए था, जो पहली बार अप्रैल में जो रिजल्ट निकाला था उसी समय ये काम कर दिया होता इन्होंने, तो काफी बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे थे या जूलॉजी के बच्चे थे या फिर सोशल साइंस के बच्चे थे, उनको भी राहत मिल जाता, उनको पहले से ही पता चल जाता कि आप क्वालिफाइड तो है बट आपका जॉब नहीं होगा, तो ये उन्हें इन्हें बता देना चाहिए था तो काफ़ी अच्छा होता। बट बिहार गवर्नमेंट है क्या बोल सकते हैं, जो बच्चे को क्वालिफाइड किया उसको अब जॉब नहीं मिलेगा तो उस बच्चे को कैसा लगेगा, ये भी चीज़ है बिहार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बट जो भी था, इन्होंने भी, हमारी भी गलती है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप लोग का जो प्रोसेस है वो बिहार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया, आप लोग को कम से कम कंफर्म कर दिया कि आपका जॉब अब निश्चित रूप से
होने वाला है। तो जॉब की गारंटी मिल गई, जो भी बच्चे क्वालिफाइड है। आप लोग अपने मार्क्स को आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोग क्वालिफाइड है या नहीं। अगर क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड है और मेरिट लिस्ट में है या नहीं, ये मुझे आप बताइएगा। क्योंकि क्वालिफाइड तो है, आपको मार्कशीट भी मिल जाएगा, हो सकता है कभी वैकेंट होगा तो जॉब भी मिल जाएगा, बट जॉब की गारंटी नहीं है। बट जो क्वालिफाइड है और मेरिट लिस्ट में भी आ चुके हैं, उनका तो जॉब आप कोई भी नहीं रोक सकता। वो बिहार में टीचर बनने जा रहे हैं, 100% टीचर बनने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा अपडेट है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से टीचर के लिए, और टीचर की नियुक्ति बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने ये आपको एक संदेश दे दिया यहाँ पे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए थी, वो मैंने आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया। सिर्फ आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब तैयार हो जाइए और ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाला है, मैंने आप लोग को बता दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के बिहार स्टेट के अपडेट से अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।